मेरा नाम है प्रकाश पारदासानी, लेकिन लोग मुझे कहते हैं प्रकाश राजा। आज हम रिव्यू करेंगे लिपस्टिक अंडर माय बुर्का। चार औरतों की एक ऐसी कहानी है जो उनकी ख्वाहिशें जाहिर करती हैं कि वो क्या चाहती हैं। वक्त और ज़माना कितना बदल चुका है, वक्त इस कदर बदल चुका है कि उसमें ये दिखाया गया है कि एक बुर्के में जो है वो किसी भी मॉल में जाती है और वहाँ से कुछ चुरा कर पहन लेती है और फिर दोस्तों के साथ अपने मौज मस्ती में लग जाती है और उसके बाद उसको बियर पीते हुए भी बिंदास दिखाया गया है। एक महिला इसमें सेल्सगर्ल है और बहुत अच्छी सेल्सगर्ल है, वो बहुत खूबसूरत तरीके से सबका माल घर घर जाके बेचती है, लेकिन उनके जो हस्बैंड हैं, खाविंद हैं, उनके जो पति हैं, वो सिर्फ उसका इस्तेमाल बिस्तर पर करते हैं। बस जब दिल चाहा उसका खींच लिया और हाथ पैंट के वहाँ पर रख दिया, जब चाहा उसकी सलवार उतारी और उसकी तरफ बढ़ चले। इस बात को अगर कोई भी आदमी पैगाम समझ कर लेगा, एक इस तरह से यूज़ करेगा, तो उसकी लाइफ में बदलाव आ सकता है, क्योंकि ये साफ साफ दिखाया गया है कि ये गलत है। औरत को औरत समझिए, उसको ऐसा कोई भी मौका आप ना दीजिए कि वो अपने बदलने की सोचे, अपना बुर्का उतारने की सोचे। और लिहाजा इसी वजह से वो औरत जब जॉब करने लगती है तो अपने पति को बताती नहीं है कि वो जॉब कर रही है, इस बात को वो पर्दे में ही रखती है। लेकिन कब उसका पर्दा निकल जाता है, इस बात का एहसास आपको तभी होगा जब आप पिक्चर देखेंगे। 55 ईयर्स की जो महिला है, जब उनको इतना अधिक इश्क मोहब्बत के चक्कर में उनके फैमिली वाले देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं, हालांकि वो इश्क मोहब्बत नहीं था, उसके जज्बात थे, उसकी चाहत थी, उसके अंदर की एक औरत थी जो शायद कभी अधूरी रह गई, आधी रह गई, जिसकी मुकम्मल तौर पे सोच पूरी कंप्लीट नहीं हुई, उसको सोचते सोचते वो औरत इस कदर गुम हो जाती है अपने ख्यालों में कि हमेशा उसको लगता है कि कोई ना कोई उसके नज़दीक है, कहानी और किताबों में। इसीलिए वो किसी लड़के से फ़ोन पे बात करके अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती है। वो एक उसके अंदर की सोच थी, उसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन उसके रिश्तेदारों ने जब उसे पकड़ लिया तो उसको घर से निकाल देते हैं और वो ज़मीन पर पटक देते हैं, उसकी किताबें, उसके कपड़े, उसका स्विमिंग कास्ट्यूम। वो 55 साल की औरत स्विमिंग सीख रही होती है और वो उसको सब गलत कहते हैं, बुरा कहते हैं, और वो उसको पटक देते हैं। और उस समय वो तीनों लड़कियां, जो तीन और औरतें हैं, उसको सहारा देती हैं, तीन वो और एक ये, चारों मिलकर उनका एक ग्रुप बनता है जहां पर पिक्चर ख़त्म हो जाती है। पिक्चर अगर डायरेक्टर चाहता, राइटर चाहता, प्रोड्यूसर चाहता तो 15 मिनट और चल सकती थी, किसी को कोई एतराज़ नहीं था, हॉल में सब इंजॉय कर रहे थे, सब खुश थे, 15 मिनट पिक्चर और चल सकती थी। लेकिन वहाँ पर उन चारों औरतों को खुश दिखाकर, चारों सिगरेट पीती हैं, चारों अपने आप में खुश हैं, चारों की ख्वाहिशें पूरी तो नहीं हुई हैं, जब जाहिर हो गई हैं, वो पकड़ी गई हैं, उसके बाद भी वो चारों साथ थी, चारों खुश थी, और डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, पिक्चर को, राइटर ने वहाँ पर दी एंड कर दिया। और मैंने एक चीज़ देखी बहुत सालों के बाद कि लोगों ने खुलकर उस पर तालियां बजाई, लोग चिल्ला सकते थे नहीं ये क्या है, लेकिन लोगों ने खुलकर तालियां बजाई बिकॉज दे वाज सेटिस्फाइड। सबकी एक्टिंग बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, सबने अपना अपना रोल बहुत खूबसूरती से निभाया है, किसी भी तरह से डायरेक्शन में कोई कमी नज़र नहीं आती है, और कई सीन तो बहुत ही बेहद खूबसूरत तरीके से लिए गए हैं और बहुत नायाब तरीके से उनकी पिक्चराइजेशन किया गया है। आप अगर इस फिल्म को देखेंगे तो मायूस नहीं होंगे, आपके पैसे बेकार नहीं जाएंगे। मेरा सिर्फ आपको यही कहना है कि आप इस फिल्म को देखिए, लेकिन बच्चों को फ़िलहाल इस फिल्म में ना ले जाएं, वो सही है। थैंक यू।